गुड्डा सीट पर बसपा के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जफर ओबैद ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि कानून पर सबका हक है और इसी कानून के तहत वह चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डा लोकसभा को चुनना हमारी मजबूरी थी, महागठबंधन और एनडीए इन दोनों घटक दलों ने जो मिला के इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। हम खास तौर से जो धार्मिक और लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन का इशू हमने महसूस किया कि वो एक खड़ा हो गया है, एक क्राइसिस खड़ी हो गई। झारखंड में तकरीबन 70 लाख के आसपास धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी है, ख़ास तौर से जो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन ना देना जो मेन पार्टीज़ हैं हमारी, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, ये एक बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए और इस पे सोचने को मजबूर किया। बहुजन समाज पार्टी ने इस दर्द को समझा और बहन जी ने यहाँ पे मुसलमानों के उस दर्द को भरपाई करने के लिए भेज दिया। देखिए, गुड्डा के मुसलमानों से ही नहीं, जो गुड्डा के सारे मतदाता हैं उनको हम ये कहेंगे कि देयर इज़ एन ऑल्टरनेट, एक ऑल्टरनेटिव है। हम अपने आप को एक ऑल्टरनेट के तौर पे पेश करते हैं गुड्डा के लिए, जो अपने पुराने तजर्बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और सोशल सेक्टर्स में रहे हैं उनके लिए गुड्डा को चुना। आज फुरकान अंसारी ने भी यहाँ से नामांकन पत्र खरीद लिया है, ऐसे में यहाँ पर अब मुस्लिम कहाँ जाएंगे? अब देखिए, एक कानून ने सबको हक दिया है कि वो चुनाव लड़े, तो हर आदमी का ये हक है। कोई भी आके मैदान में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत कर सकता है और ये सबका बुनियादी हक है और हमारा भी ये हक है, इसलिए हम